नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के दर्शकों के लिए एक बहुत बड़ी जानकारी है। ये जानकारी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह से जुड़ी हुई, क्योंकि नरेंद्र मोदी 3.0 सरकार का गठन होने जा रहा है और 9 जून की तारीख दिन रविवार, जब सुरक्षा का पहरा जबरदस्त तरीके से राजधानी दिल्ली में होगा, जमीन से लेकर आसमान तक। आपको बता दें, नो फ्लाई जोन का ऐलान हो चुका है। 9 और 10 जून को कोई भी आसमान में ना ड्रोन उड़ सकेगा, ना ही कोई फ्लाइट उड़ सकेगी, और सख्ती जबरदस्त होगी। आप देखिए, हर तरफ जो है, चाहे फिर हम ब्लैक कैट कमांडोज की बात करें, दिल्ली पुलिस की बात करें, या फिर NDRF के जवानों की बात करें, चारों तरफ सुरक्षा का कड़ा पहरा है। ITBP के जवान भी मुस्तैद रहेंगे। इसके अलावा आपको बता दें, 7 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं, जगह जगह उनके होर्डिंग्स लग चुके हैं, और जिन होटल्स में वो रुकेंगे वहाँ पर किसी भी तरीके से कोई भी नियमों की अवहेलना नहीं कर सकता है, कोई बाहरी वहां पर एंट्री नहीं कर सकता है, सख्त पहरा है, ताकि उन विदेशी मेहमानों को भी कोई समस्या ना हो और ये जो शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है ये एकदम सही तरीके से पूर्ण किया जा सके। आपको बता दें, नरेंद्र मोदी के साथ का कुछ वरिष्ठ मंत्री भी होंगे जो अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। तो बेहद खास दिन है 9 जून का। ऐसे में आप भी अपनी राय जरूर दीजिएगा कि इस पूरे कार्यक्रम को जानने समझने के बाद कैसा आप महसूस कर रहे हैं। और आपको बता दें, AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। हर किसी पर नज़र रखी जाएगी, ड्रोन कैमरे के जरिए नज़र रखी जाएगी, और बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। पूरी दिल्ली को एक किले की तरह, अभेद किला की तरह सुरक्षित एक किला बना दिया है, ताकि परिंदा भी पर ना मार पाए। लेकिन तैयारियां जबरदस्त चल रही हैं। BJP दफ्तर की बात करें तो वहां पर जश्न का माहौल दिख रहा है। JP नड्डा के आवास पर लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, तो लेकिन तैयारियां वहां पर भी है, क्योंकि बहुत बड़ा ये दिन होने जा रहा है। आपको एक बार मैं बता दूं, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इकलौते ऐसे भारत के प्रधानमंत्री होंगे जो तीसरी बार अपने पद की शपथ लेने जा रहे हैं। तो ये जानकारी आपको कितनी महत्वपूर्ण लगी कमेंट सेक्शन में बताना, और इस वीडियो को दूर तक फैला दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए।